छिपती है। तो गाइज अभी वक्त है कुछ अपने प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने की, जो कि पिछले 2-3 दिनों से इकट्ठा होती जा रही है। आपने देखा था पिछले ब्लॉग में जाकर के मैंने जो अपने रिंग का साइज पता किया था, तो वो वाले प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं। ये देखो, ये एसी के लिए उन्होंने रिंग साइज लिया था। ये ब्लैक मैम्बा, ये ब्लैक मैम्बा का ब्लैक ज्वेलरी है ये सब, और ये काफ़ी कूल दिखता है जब इसको पहनता हूँ ना। ये वाली इसमें और ये वाली इसमें, दोनों का साइज सेम ही है 21। और ये वाले में क्या आया है, ब्लैक ज्वेलरी ही है सब। देखो ये जो छपरी लोग पहनते हैं ना, मतलब छपरी ये तब कहलाएगा जब ये थोड़ी लो क्वालिटी की होगी, बट ये कहेगी प्रीमियम क्वालिटी है, तो मेरे जैसे जो है प्रोफेशनल छपरी भी पहन सकते हैं इसको। ओके, और बाकी अभी ये सब भी है तो इसको भी करना है यार, इनके शॉर्ट वीडियो बना के देने हैं। एक फ्लावर, अरे बाप रे ये क्या है, ये तो बहुत भारी है, मुझे लगा इसमें वो सिर्फ है फूल। पहले कच्चू ले आते हैं। Don't stop, turn off the lights, nauseous, when I wake up. अभी ये क्या है? अच्छा हाँ, ओह वो ये एक बार मैंने ऑर्डर किया था, बाबू का कपड़ा सब यहाँ वहाँ ठूसा रहता है ना, कभी मेरे वार्डरोब में कभी सुरभि के वार्डरोब में, तो उसके लिए मैंने एक वार्डरोब ही अलग मंगवा दिया था, लेकिन ये सब पूरा सेटअप करना पड़ेगा। छोड़ो इसको बाद में करेंगे, अभी सुरभि भी नहीं है, बाबू भी नहीं है, जब वो दोनों आएंगे तब करूँगा। हाँ ये भी चाहिए था थोड़ा यार। और अब ये क्या है, अच्छा ये कप है, इसमें ये भी मैं बहुत पहले मंगवाया था, एक जगह व्यवस्थित हो सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी है, अब जैसे आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तो उस वीडियो के लिए मैं इसको पीछे रख सकता हूँ। बहुत ही मस्त फ्रेम बना है, देखिए अगर गांव में होता ना तो उसमें गेहूं की बाली लाके डाल देता तो और मस्त लगता यार। पैक गिर के फूट मत जाना। तो अभी मैं फिर से निकल रहा हूँ बाबू के पास, और उसकी मम्मी ने बोला है कि बाबू का जो मालिश का तेल है वो लेते आना। तो अभी यही एक डब्बा मिला है जिसमें हम ये गांव का शुद्ध सरसों का तेल डाल के ले जाएंगे। तो इसको मैंने अभी धो के ड्रायर से सुखाया है। अरे यार आधे घंटे का डिले हो गया, अभी क्या है ना बहुत टाइम से दूध आते आते जमा हो गया था, तो दूध की खपत होती नहीं जब सब लोग घर पे नहीं रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो खीर ही बना देते हैं। तो अभी खीर बना के उसके बाद निकलता हूँ, खीर बन जाएगी ना तो खपत हो जाएगी। अरे खीर पकने में टाइम लगता है ना। हाँ, अभी तो हम गैस पे सिर्फ दूध रखे हैं, आओ दिखाते हैं। प्रिय मित्र, होली का यह उत्सव हमें पावन संदेश देता है कि प्रहलाद की तरह हम भी अपने जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं का धैर्य पूर्वक सामना करें, एवं कैसी भी विकट परिस्थितियां आए तो भी हम ईश्वर में अपनी श्रद्धा को अडिग बनाए रखें। इसी विश्वास के साथ आपको एवं आपके समस्त परिवार, मित्रों तथा शुभ चिंतकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जितने मैसेज खोलो सब होली विशेष, होली होली होली, होलिका दहन। मेरी खीर बनकर रेडी है, और पता नहीं क्यों, और मुझे याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार खीर कब बनाया था। जब भी खीर देखता हूँ गाढ़ी खीर एकदम सूर्यवंशम वाली फिल्म याद आ जाती है। थोड़ा सा शक्कर कम है, शक्कर में कमी डालता हूँ वैसे भी। आज है होलिका दहन, इतनी शांति है, और हर सोसाइटी में होली का प्रोग्राम भी चलने वाला है। जीसीसी क्लब मेरे जस्ट राइट में ही है, और यहाँ पर हर होली में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, लेकिन मुझे कलर पसंद नहीं है, अगर मूड बना तो आ सकता हूँ। विराट आने वाली है, विराट आज देखना, आज सबके चेहरे लाल पीले हरे
ऐसे दिखने वाले हैं। इन्होंने नहीं खेला है, इन्होंने नहीं खेला। अभी 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 कितने ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। लो गाड़ी भी आ गई। कितने लोगों को मारा ये? अभी तक मारा नहीं है। ब्लॉगर हूँ। हाँ ब्लॉगर हूँ। आप लोगों को ब्लॉग में ले रहा हूँ, ठीक है? अरे थोड़ा सा रंग तो मिलाओ, रंग तो मिलाओ इसमें। इतने रंग में क्या होगा? कितना सब्सक्राइबर मिला? बहुत सारा। बताओ तो। 1K, 1 मिलियन। 80K है। छोटे मोटे ब्लॉगर नहीं है हम। जा पापा का फोन छीन के लाओ जल्दी से, तुमको चैनल दिखाता हूँ। खुद का फोन है? इतनी ही उम्र में खुद का फोन? मैं भी ब्लॉगर हूं। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। यार अरे ये क्या मिला रहे हो यार, इससे थोड़ी कपड़ा खराब, ये कलर से कपड़े कपड़ा खराब ही नहीं होगा इससे। ये नाम क्या है ब्लॉग का? मेरा चैनल का नाम है वेद दुबे। वेद? ये भी वेद है? क्या बात कर रहे हो, पहली बार कोई वेद मिला है मुझे। मेरा नाम शिवा है। क्या है? शिवा। शिवा और एक और भैया है वेद नाम। हाँ तो बस उसके आगे दुबे लगा देना, दुबे। देखिए यहाँ पे होलिका की तैयारी की जा रही है। हाय पापा। कैसा है पिचकारी? अच्छा है। बढ़िया है? हाँ। सब लाल पीली होके घूम रही हो कब से? थैंक यू। बाबू भी लगाया था रंग। हाँ ये तो मेरा ही दिख रहा है। नहीं आपका नहीं है। बाबू के जैसा ही का छोटा तो बदल गया क्या बाबू? इसको कौन लगाया कलर? भाभी लोग आई थी ना, सभी लगा। पापा आए? भूख लग रही है, क्या रोना है? आज एक साल हो गए। पिछले साल आप लोगों ने देखा था होलिका दहन के दिन हम लोग अपने गांव में थे और ये जो बुकवा का प्रोसेस है ये वहां पे किए थे। एक बार वहां ससुराल में वहां थे बिहार, और एक बार नालस भरा, एक बार गांव ठीक हो गया। हां और ये बुकवा बहुत जरूरी है। पिछले साल भी बताया था, चलो इस साल भी बता देते हैं। कलर खेलने से पहले अगर ये सरसों का उपटन लगाते हैं तो उससे हमारे शरीर पे कलर नहीं चढ़ता और शरीर की गंदगी भी निकलती है। हाँ मैं एक साइंटिफिक रीज़न हल्का सा बताया, मैल गंदगी निकलती है, फिर उसको जाके होलिका जी में जाके डाल देते हैं, सारे शरीर की बीमारियाँ बुराइयाँ नेगेटिविटी वो सब होलिका जी लेके भसम कर देती है। अरे देखो मैं जब से आया हूँ ये तब से सो रहा है, आधा घंटा हो गया इंतजार करते करते। तो उठो बस हो गया। मम्मी कैसे छींकती है मम्मी? हाँ ऐसे छींकती है। ओहो लगता है मैं लेट हो गया। होलिका माई तो जल गई हैं। अरे होलिका तो हम लोग गांव में जलाते हैं, सबका आटा मड़ई जितना भी पुआल उवाल मिले सब इकट्ठा करके या लकलका के एकदम जलाते थे। और देखो देखो वहाँ जल रही है, वहाँ जल रही है, वहाँ अभी भी जल रही है। चलो भाग के चलते हैं, देखते हैं। देखने में डर सा लग रहा है बट ऐसा नहीं है, अगर
होलिका जलाते हैं तो हम लोग सेफ्टी भी रखते हैं, सेफ्टी भी कहीं ना कहीं तो होगा ही। और देखो पत्तों पेड़ में कैसे आग लग रही। और जरा ऑटो कैसे मालूम आपको? पूजा हो गया कि बाकी है? अभी पूजा हो गया। बराते हो वे तो बहुत तेज चल रही थी। भाई आजकल हर जगह ब्लॉगर हैं, हर जगह। मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यहाँ पर 10-15 लोगों की भीड़ में भी कोई मुझे पहचानता होगा। और वो इसलिए ब्लॉग देखता है क्योंकि वो खुद एक ब्लॉगर है। तो जितने ब्लॉगर होते हैं ना उनको पता रहता है कि कौन इंसान ब्लॉग कर रहा है। इस है ना, है इसके ना। मैंने अपनी बाइक यहाँ पार्क की थी। चलो भैया, ए सर्विस ख़त्म हो गई आपकी, समझे? आपकी सर्विस ख़त्म हो गई, चलिए आइए आइए दूसरी गाड़ी पे बैठिए। कौन है इसका मालिक? कौन है? मैं तो ले जाऊँ अपने घर। क्या क्या बोलते हैं, इसको अडॉप्ट कर लूँ? भाई जानवरों से मुझे बड़ा प्रेम तो है। घर जाने के रास्ते में मुझे 5 होलिका ऐसे दिख चुकी हैं। और जो अभी मेरी सोसाइटी वाला है वो तो अलग है।